नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जूही। करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान का मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। प्रदेश के कई इलाकों में मानसून की विदाई से पहले भारी बारिश होने का अनुमान है। मानसून की विदाई का समय 17 सितंबर माना जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी लोगों को बारिश राहत नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में बारिश का दौर इस सप्ताह फिर से शुरू होने वाला है। 18 और 19 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में मेघगर्जन के साथ बरसात होने का अनुमान है। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए आंदोलन तेज होने लगा है। सोमवार को कुछ अभ्यर्थी इस्तीफा दे चुके मंत्री किरोड़ीलाल मीना के जयपुर स्थित आवास पर पहुंच गए और उनसे परीक्षा रद्द कराने की मांग करने लगे। अपनी बात मनवाने के लिए सभी अभ्यर्थी हाथों में तख्तियां लेकर मीना के घर के सामने ही धरने पर बैठ गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान के कई नामी स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। हाल ही में CBSE ने राजस्थान और दिल्ली के 27 स्कूलों में औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्हें इन स्कूलों में डमी नामांकन मिला। इसमें राज्य के 5 और दिल्ली के 25 स्कूल के नाम शामिल है। बोर्ड ने इन सभी स्कूलों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जो आदमी चुनाव नहीं हारता और जनता उसे नहीं हराती, उसे अमर बकरा की उपाधि दी जाती है। कुछ ऐसा ही वाक्य खींवसर के उपचुनाव को लेकर चल रही मीटिंग के दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के चाचा रिचपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के लिए कहा। दरअसल वहां मौजूद किसी ने रिचपाल मिर्धा से पूछा कि अगर इस बार हनुमान बेनीवाल चुनाव नहीं हारते तो आप लोग क्या करोगे। इस पर रिचपाल मिर्धा बोले, मैं उसे अमर बकरे की उपाधि दूंगा। राजस्थान में शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में जलझूलनी एकादशी के दिन पीतंबर भगवान के विभाग की राम रेवाड़ी पर हुए पथराव के बाद गरमाया माहौल शांत नहीं हो रहा है। प्रशासन ने तमाम प्रयासों और रात को हुए समझौते के बावजूद कस्बे का बाजार आज यानी सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद है। पथराव के बाद तीसरे दिन भी पीतंबर राय जी की राम रेवाड़ी जहाजपुर कल्याण राय के मंदिर में विराजमान है। राजस्थान के उदयपुर जिले में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। इसकी तैयारियां निकाय क्षेत्र में शुरू हो चुकी है। उदयपुर नगर निगम में 30 साल से काबिज भाजपा के बोर्ड को ढहाने के लिए कांग्रेस हर मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने एक पोस्टर वायरल किया जिसमें उदयपुर के महापौर GS टंक को तलाश कर लाने वाले को 21,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। हरियाणा के सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार रोहताश डांगर ने अपना नामांकन वापस ले लिया। आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी। उन्होंने कहा कि मैंने सिरसा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी संगठन के आदेश से मैंने नामांकन भरा था, उनके आदेश से मैंने अपना नामांकन वापस भी ले लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की अटकलों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बोले कि हम मिलकर लड़ेंगे। हम 5 सीटों का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी को हराएंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने अलग अलग आदेश जारी करते हुए 3 IPS अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इसमें DG रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। उन पर एक डॉक्टर को परेशान करने और बिना ठीक से जांच के गिरफ्तार करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर चुनाव में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह बोले कि NC चाहती है कि 370 की बहाली हो जाए, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में NC कांग्रेस की सरकार नहीं बनने वाली है। राहुल फारूक सरकार नहीं बनाएंगे, मोदी चाहते हैं कि विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण किया जाए। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूं। शुक्रिया।